नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने व्यू में फॉर्मेट्स एंड जो पेजर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये हमारा जो साइड बार में जो हमारा ये व्यू लोड हो रहा है, इसको हम पहले कंटेंट में किसी पेज पे लोड करा लें ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। कंटेंट फ्रंट पेज ये देखिए। अब अपने व्यू में चलते हैं, देखते हैं फॉर्मेट में क्या क्या है हमारे पास। तो ये है फॉर्मेट। यहाँ पर अभी जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं वो अनफॉर्मेटेड लिस्ट है। अनफॉर्मेटेड लिस्ट मींस कि अगर आप इसके एक्सपेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो इस टाइप से आएगा, इसका कोई भी मतलब फॉर्मेट नहीं होगा। आप इसके व्यू में जाएंगे, हम टेबल यूज़ करते हैं। टेबल में यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स आएंगी आपके पास कि आपको सॉर्टेबल इसमें रखना है कि नहीं रखना है, किस टाइप से रखना है, असेंडिंग पहले आया डिसेंडिंग पहले आया। अलाइनमेंट किस टाइप रहे, सेंटर में रहे नन रहे। सेव करते हैं। ये देखिए, ये इसकी टेबल में पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अभी इसका लेबल नहीं है, अगर हम लेबल हमें ऐड करना है तो हम लेबल यहाँ से फिर से क्रिएट कर देते। टाइटल और ये लेबल हमारा आ गया। हम बॉडी को भी लेबल दे सकते हैं और इमेज को भी दे सकते हैं। तो ये हमारा था टेबल का फॉर्मेटेड। हम एचटीएमएल लिस्ट में जाते हैं। एचटीएमएल लिस्ट में ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी कि आपको लिस्ट टाइप किस तरह अन ऑर्डर्स लिस्ट रखनी है, ऑर्डर में रखनी है। यहाँ पर क्लास का आप यहाँ क्लास भी लगा सकते हैं, लिस्ट क्लास लगा सकते हैं। रो में अगर आपको कोई क्लास लगानी है वो लगा सकते हैं। अप्लाई करते हैं। ये देखिए एलआई जो हमारा बना UL LI में आ गया, स्पैन में आ गया। तो ये हमारा एचटीएमएल लिस्ट हो गया। ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड दोस्तों, अगर आपके पास आर्टिकल है और उसमें इमेजेस हैं तो इसका अच्छा यूज़ होता है ग्रिड का। ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितनी इसमें दिखानी है, 4 दिखानी है या आप जितनी चाहे उतनी सेट कीजिए। अलाइनमेंट के हिसाब से रहेगा, हॉरिजेंटल में रहेगा या वर्टिकल में। हॉरिजेंटल रखते हैं। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी हम इसमें बॉडी को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिए, रिमूव कर दीजिए, बॉडी डिलीट हो गया। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। टाइटल हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, लेबल सॉरी नहीं चाहिए। अप्लाई कर दिया, लेबल चला गया। पोस्ट डेट हमारे नीचे आना चाहिए, उसकी रीऑर्डरिंग कर देते हैं। या इमेज आपको फर्स्ट में चाहिए तो आप कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। देखिए इमेज आ गई, टाइटल आ गया उसका, पोस्ट डेट आ गई। सेव कर दीजिए। ये देखिए इस ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर दें ताकि व्यू हमारा अच्छे से दिखे। डिस्प्ले नन। ये देखिए ये आ गया ग्रिड। और व्यू में चल के देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर्मेटेड में दोस्तों इतना था हमारे पास। हम इसमें एक और फीचर्स यूज़ करेंगे जो हमारा व्यू में है, पेजर। बाई चांस हमें अगर इस में अगर ऑल कंटेंट हमें दिखाते हैं या इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। अब हम पेजर का यूज़ करते हैं। पेजर आउटपुट फुल पेजर।
कितने आइटम डिस्प्ले करने हैं, पांच हैं, हम तीन डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर आप टैग्स रख सकते हैं, मतलब आपको जो रखना है फर्स्ट के लिए, प्रीवियस के लिए, लास्ट के लिए। ये देखिए हमारे पास, सेव करके अपनी पेज पे देखते हैं। ये देखिए पेजर आ गया, नेक्स्ट पेज पे जो हमारा लोड हो रहा है कंटेंट, फर्स्ट पेज पे जो हमारा लोड हो रहा है, तो लास्ट पेज पे, तो ये इस टाइप से पेजर ले रहा है। और भी पेजर्स में फीचर्स देखते हैं, पेजर आउटपुट मिनी पेजर करके देखते हैं, थ्री रहने देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ दिखाएगा आपको इस टाइप से, सेव करते हैं, प्रीवियस, इस टाइप से कंटेंट लोड हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जब भी हम नेक्स्ट या प्रीवियस में क्लिक कर रहे हैं तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो व्यू में Drupal 7 के व्यू में एक और फीचर्स है कि आप चाहते हैं कि पेज रिफ्रेश ना हो, तो जाहिर से आप एजेक्स यूज़ करेंगे, तो एडवांस में जाएंगे, यहाँ यूज़ एजेक्स में नो है, इसको यस कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, सेव करेंगे। तो अब जब आप नेक्स्ट पिक करेंगे आप, तो देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन कंटेंट हमारे चेंज हो रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो था कि हम अपने व्यू में किस तरीके से फॉर्मेट लोड कराएं और किस तरीके से पेजर का यूज़ करें कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर एक पेज पे आइटम्स हैं तो उसको किस हिसाब से हम मैनेज करें कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम हम अपने पेज पे दिखाएं। इस वीडियो में इतने रखते हैं व्यू के लिए, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे व्यू से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई क्वेरी या किसी टाइप का क्वेश्चन है तो कमेंट में छोड़िए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।